अभी मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट वेपन कहलाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वेपन कुछ और नहीं बल्कि एटॉमिक बॉम्ब है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को पलक झपकते ही तबाह कर दिया था, तो आपका अंदाजा गलत है। ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये इस कदर जानलेवा है कि ये एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब्स, जो कि आज की तारीख में सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है, उससे भी कई ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। ये एक ऐसा हथियार है जो इंसान के शरीर में घुसकर उसे अंदर ही अंदर छलनी कर देता है। जी हाँ, ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का सूक्ष्म जंतु यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन शायद हमारे लिए आम बात है, लेकिन कुछ तरह के माइक्रोबियल इन्फेक्शन आज तक के इतिहास में सबसे दर्दनाक साबित हुआ है, जैसे कि प्लेग, स्मॉल पॉक्स, इबोला। कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल करके किसी बड़ी आबादी को एक चुटकी में ही मौत के घाट उतार दिया। इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स अक्सर बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन इसमें वायरस और फंगी भी शामिल है। इंसान अगर बायोलॉजिकल वेपन्स के चपेट में आ जाए तो उसकी मौत तो तय है। तो क्या मेडिकल साइंस के पास इस डेडली वेपन का कोई इलाज नहीं है? अगर इसका जवाब हाँ है तो लोगों के मरने का सिलसिला शायद कभी खत्म ही नहीं होता। माइक्रोबियल इन्फेक्शन से लड़ने का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। माना जाता है इजिप्शियंस दुनिया में पहले लोग थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहे इन्फेक्शन को समझा और उस पर इलाज किया, मगर तब हम टेक्निकली उतना एडवांस ना होने के चलते ये उतना इफेक्टिव प्रोसीड्योर नहीं था। लेकिन फिर 1915 में बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक विलियम ने वो कर दिखाया जिससे आने वाले कई लोगों की जाने बच गई। उन्होंने खोज की एक नए तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो एक पावरफुल एंटी बायोलॉजिकल वेपन के रूप में उभर कर आया। इसे नाम दिया गया बैक्टीरियोफेज। इंसान को वायरल इन्फेक्शन होते हुए तो सभी ने सुना है, लेकिन किसी बैक्टीरिया को वायरल इन्फेक्शन हो जाए ऐसा तो शायद ही किसी ने सुना होगा। तो बैक्टीरियोफेज एक तरह का बैक्टीरिया नहीं बल्कि वायरस होता है जो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज आपको कहाँ मिलेगा? दरअसल ये ऑलरेडी आपके आसपास ही है। आपके स्किन से लेकर आपके आंखों के आईलिड्स तक सभी जगह ये ऑलरेडी मौजूद है, मतलब हम इससे बिल्कुल घिरे हुए हैं। अब जो बैक्टीरिया को खत्म करने की काबिलियत रखता हो, सोचिए वो हमारे लिए कितना खतरनाक होगा, राइट? बिल्कुल गलत। तो चलिए जानते हैं ये आखिर है क्या चीज। ये एक ऐसी चीज है जो समुन्द्र में मौजूद ऑलमोस्ट 40% बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस वायरस को बस बैक्टीरिया से मतलब है। ये भले ही बहुत खतरनाक हो, लेकिन ये हम इंसानों के लिए खतरा नहीं बल्कि काफी बेनिफिशियल साबित हुआ है। दूसरे वायरसेस की तरह इसे भी जिंदा रहने के लिए किसी न किसी होस्ट या जिंदा जीव की जरूरत पड़ती है। बिना होस्ट के ये जिंदा नहीं रह सकता। बैक्टीरियोफेज एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके शरीर का मुख्य हिस्सा यानी कि इसका सर प्रोटीन से बना एक कवच होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। इस कैप्सिड के कोर में एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इन्फेक्शन के दौरान एक फेज एक बैक्टीरिया से जुड़ जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को उस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है, और आखिर में ये बैक्टीरियोफेज सेल के टुकड़े करके बड़ी तादाद में बाहर निकल आता है। जब तक एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी तब तक डॉक्टर्स और रिसर्चर्स पूरी ताकत से बैक्टीरियोफेजेस पर रिसर्च कर उसे इंसान में हो रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे। समय आगे बढ़ा और मेडिकल साइंस के इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। इस चमत्कार का नाम था एंटीबायोटिक्स, जो कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था और जिसके आते ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन पर मानो हमने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। एंटीबायोटिक्स की खोज के बाद फेजेस का इस्तेमाल दुनिया के कई हिस्सों में बंद कर दिया गया। हालांकि रशिया, जॉर्जिया और पोलैंड जैसे देशों में मेडिकल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स ने काफी हद तक बायोलॉजिकल वेपन्स को खत्म कर दिया था, लेकिन समय के साथ ये बायोलॉजिकल वेपन्स और ताकतवर होते गए, जिस वजह से एंटीबायोटिक्स का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेडिकल साइंस की भाषा में कहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट आसानी से लड़ सकते थे। और इसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन कर करके सुपरबग्स का दर्जा हासिल कर लिया। सुपरबग्स के बनने से डॉक्टर्स ने फिर से अपना कदम बैक्टीरियोफेज ट्रीटमेंट की तरफ मोड़ लिया। बैक्टीरियोफेज एंटीबायोटिक्स की तुलना में बेटर इसलिए है क्योंकि वो सीधा अपने होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरियास पर हमला करते हैं, ना कि इंसानी सेल्स पर। इसलिए ये इंसानों में हो रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर हम इसका कंपैरिजन एंटीबायोटिक्स से करें तो एंटीबायोटिक्स एक बॉम्ब की तरह काम करता है। मतलब एंटीबायोटिक्स ये नहीं देखता कि इसके सामने कोई अच्छा बैक्टीरिया है या कोई बुरा बैक्टीरिया। उसका काम है तो बस तबाही फैलाना। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स खराब बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल है।
इसी बैक्टीरियोफेज को एक पेशेंट के साथ टेस्ट किया गया था जिसकी बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उस पेशेंट के हर्ट में स्यूडोमोनास एरिजिनोसो नाम का एक बेहद ही खतरनाक बैक्टीरिया फैल गया था। ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक था कि दुनिया की कोई भी एंटीबायोटिक्स इसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तो आखिर में डॉक्टर्स ने उनके चेस्ट कैविटी में कई हजार नए बैक्टीरियोफेजेस को उन पुराने एंटीबायोटिक्स के साथ इंजेक्ट कर दिया जो अब तक उससे नहीं लड़ पा रहा था। और पता है एंड में क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया जो पिछले कई सालों तक इस बीमारी से लड़ रहा था। वर्ल्ड वॉर दो के दौरान सोवियत यूनियन के कई सारे सोल्जर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित थे, तब भी उनका इलाज इसी बैक्टीरियोफेज के जरिए किया गया था। और अगर हम आज की बात करें तो ये ट्रीटमेंट अभी भी एक्सपेरिमेंटल या टेस्टिंग स्टेज पे ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ट्रीटमेंट का अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से बैक्टीरियास हमारे एंटीबॉडी के अगेंस्ट आसानी से जीत रहे हैं, उस हिसाब से हमारा फ्यूचर इसी बैक्टीरियोफेज के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे पता है अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, अगर ये बैक्टीरियोफेज इतना ही अच्छा है तो क्यों ना इसे हम उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करें जिस वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है और जो लाखों लोगों की जानें ले रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया आज जिसके अगेंस्ट लड़ रहा है वो एक वायरस है, और बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस ही है। और इस बैक्टीरियोफेज का काम है बैक्टीरियास पर हमला करना, वायरस पर नहीं, क्योंकि अगर ये वायरस को भी मार सकता तो शायद ये न्यू वायरस आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।